वो बैंक वाला काम हो गया? हाँ, वो बैंक वाला काम तो हो गया। आज मैंने कुछ शॉपिंग भी कर ली। आपका वो दोस्त ना बहुत ही दिलचस्प है वैसे। हाँ ना, उसका सबसे बड़ा दिलचस्पी यही तो है कि वो मुखलिस इंसान है। अरे कल ही अब्बा ने हमको बताया, हमको बहुत शर्मिंदगी हुई। तुमसे ज्यादा हमें शाहिद से शर्मिंदगी हुई है। तुमको तो सिर्फ गलत फहमी हुई, शाहिद ने पता नहीं क्या सोचा होगा। अरे वो हमसे पूछ रहा था। अरे तू मना कर देता। देखो जो होना था वो तो हो गया, अब तुम फजूल में क्यों आंसू बहा रहे? इंसान भी कितना अजीब है ना नौशीन, सारी जिंदगी बस वो फजूल जज्बात को इग्नोर करता है और इम्पोर्टेंट कामों को करने को अहमियत देता है, लेकिन इस एहसास के बावजूद भी ख्यालात इंसान का इस्तेमाल कर ही जाते हैं। फैसल शाहिद की बहन को पसंद करता है, उससे शादी मनाना चाहता है और हमको ये बात पता है। अरे जो भी हुआ उसको भूल जा, हमको ये रिश्ता नहीं करना और तुझे भी नहीं करना, बस भूल जा इस बात को। पर ऐसा क्यों अम्मा? मैंने एक चीज नोट की आप सब लोगों में जो बहुत कॉमन है, कि आप लोग बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, सिंसियर हैं, मटेरियलिस्टिक नहीं है। अरे तो क्या नहीं होना चाहिए क्या? बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर इंसान मटेरियलिस्टिक होता है ना तो हर वक्त उलझन का शिकार रहता है उसको मेंटेन करने के लिए। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो उलझनों का शिकार रहते हैं। ज़ाहरी तौर पे तो वो अपने स्टेटस को मेंटेन रखते हैं लेकिन खुश नहीं रहते। तो खुद टाइम दे लड़कों को और लियारी से ना अच्छे लड़कों को निकाल के ना कोई अच्छा सा टीम बना दे। हम? अरे ये तो तू खुद भी कर सकता है, इतना अच्छा खिलाड़ी है तू, जो कोच बताएगा वो तू भी जानता है सब कुछ। मैं तो कहता हूँ यहाँ से कोई अच्छे शौक वाले लड़कों को पकड़ जिनको शौक हो ना खेलने पेलने का, फिर तू देख कैसा टीम तैयार होगा तेरा। फैसल को भी यही पसंद आ रहा था तो मैंने सोचा मैं यही ले लेती हूँ, अच्छा है ना? ये फैसल ने तुम्हारे लिए पसंद किया? मेरे कहने का मतलब है फैसल तुम्हारे साथ था। अरे आप समझा मशीन है क्या? मतलब मेरे हाथ की चाय अच्छी नहीं है क्या? नहीं, वो अब वो ठीक हो गया तो हमने सोचा कि वो होगा। एक्चुअली मैं अपने लिए चाय बना रही थी तो सोचा आपके लिए भी बना दूं। हाँ अच्छा किया। तुम्हारा वो बैंक वाला काम हो गया? हाँ, वो बैंक वाला काम तो हो गया। आज मैंने कुछ शॉपिंग भी कर ली। आपका वो दोस्त ना बहुत ही दिलचस्प है वैसे। हाँ ना, उसका सबसे बड़ा दिलचस्पी यही तो है कि वो मुखलिस इंसान है। हाँ है तो मुखलिस इंसान, जब ही तो तारीफ कर रही हूँ। मुखलिसी और बददियानती इंसान ज्यादा दिन थोड़ी छुपा सकता है, कहीं ना कहीं दूसरा महसूस कर ही लेता है। बिल्कुल शाहिद, अगर आप एक फेवर दें तो एक बात शेयर करूं आपसे प्लीज। हाँ बोलो तुम। एक्चुअली मैं बाहर जाने के लिए अप्लाई तो कर ही रही हूँ, लेकिन मैं ये चाह रही थी कि अगर आप फैसल को कहें कि मेरे साथ इसी तरह कुछ दिनों के लिए आना जाना, बहुत आसानी रहेगी मुझे बाहर आने जाने में, प्लीज। हाँ ठीक है, हम बोल देगा फैसल को। वैसे पारिक घूम रहा होता है, उसको बोलेगा तुम्हारे साथ जाओ, तुम फिक्र ना करो। थैंक यू शाहिद। ठीक है, ओके।
मैं अभी थोड़ी देर में बात करता हूँ। ओके। हाँ बेटा। बाबा, बाबा मुझे लगता है कि शायद आपको फैसल से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। क्या हो गया बेटा? देखो, उसे कोच प्रोवाइड करना हमारा काम नहीं है, ये उसका अपना काम है। मेरा मतलब, हमने तो उसे ऑफर की थी, हम तो उसकी जिंदगी को बदलने की बात कर रहे थे, उसका लाइफस्टाइल चेंज करने की बात कर रहे थे। उसने इनकार कर दिया, हमने तो बुरा नहीं माना, तो उसको कैसे बुरा लग सकता है? क्योंकि बाबा, हमने उसे एक ऑफर की थी, वो हमारे पास एक आस लेकर आया था, और मैंने उसे खुद कहा था कि कभी भी कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो हमारे पास बिला झिझक आ सकता है। एंड आई थिंक आपने भी उसे कभी ना कभी ये बात बोली थी, मुझे याद है। हाँ भाई, हमारा भी तो एक ही मकसद है ना, और वो ये बात अच्छी तरह जानता है, इसीलिए तो वो यहाँ आया। बाबा, कभी कभी बिना किसी रीज़न के भी किसी के काम आ जाना चाहिए। हर बात में तो बिजनेस नहीं सोचेंगे ना हम। देखो बेटा, बिजनेस मैन बिजनेस के अलावा नहीं सोचेगा तो क्या सोचेगा? बाबा प्लीज़, बाबा आपको अच्छी तरह से पता है कि मैं क्या कह रही हूँ, फिर भी आप। देखो बेटा, अगर तुम उस लड़के के लिए कोच चाह रही हो तो ये काम तुम खुद भी कर सकती हो, मुझे पूछने की क्या जरूरत है? वो मना कर चुका है, बल्कि वो नाराज होके चला गया। बेटा देखो, उसको इस तरह डिस्कस करने का क्या फायदा, उसको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देनी चाहिए। बाबा आपको पता है ना कि मैं कितनी सेंसिटिव हूँ। देखो बेटा, मैं चाहता हूँ कि तुम अपना नेचर बदलो। देखो, तुम्हारा नेचर बदलने से तुम्हें फायदा होगा, अदरवाइज दूसरों को फायदा होगा, इसका क्या फायदा? एक सेकंड। हेलो जी, हाँ बैठा हूँ ऑफिस, आ जाए। लेकिन तुम्हारा कोच क्यों भाग गया? अरे पैसा, और क्या, पैसे के पीछे भागता है यार कोई, अपने इलाके का किसी को ख्याल नहीं है। लेकिन तुम देखना, हम एक दिन लियारी को बहुत आगे पहुंचाऊंगा। ये तो बहुत बुरी बात है, हम इस मामले को जितना हवा देंगे ये उतना ही बढ़ेगा। भाई मैं तो बढ़ाना नहीं चाहता, लेकिन मेरा दिल भी तो करे। अगर हमारा दिल नहीं करेगा तो उस अजनबी औरत का दिल कैसे करेगा, वो तो हमें जानती तक नहीं है। लेकिन तुम जा कहाँ रहे? कहीं नहीं, एक वीजा काउंसलर से टाइम लिया था, बस वहीं जा रही हूँ। तुम अकेले कैसे जाएगा, और वो भी इतना तैयार होके? कैसे जाऊंगी, मतलब जैसे कल गई थी फैसल के साथ वैसे ही जाऊंगी? फैसल के साथ? अरे काम तो बहुत बड़ा है, लेकिन हमारा जुनून है कि हम कर जाएगा। हमने पोस्टर लगा दिए हैं, अब बस लड़कों के आने का इंतजार है। टैलेंटेड लड़के आए, उनमें से हम सेलेक्ट करूंगा, ऐसे लड़के जो आगे जाके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सके पूरी दुनिया में। लेकिन तुम्हारा कोच क्यों भाग गया? अरे पैसा, और क्या, पैसे के पीछे भागता है यार कोई, अपने इलाके का किसी को ख्याल नहीं है। लेकिन तुम देखना, हम एक दिन लियारी को बहुत आगे पहुंचाऊंगा। अरे तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन अली भाई इस मामले में बहुत अच्छा है, बोलते तुम आगे रेसलिंग सीखो, हम तुमको ट्रेन करेगा और साथ साथ तुमको पैसा भी देगा। उस जैसा लोग बहुत कम होता है, शायद होता ही नहीं है। और कहता है कि तुम क्लब में जरूर आएगा रोज, हमारा मेहनत के साथ साथ उसका भी बहुत हाथ है हमारे रेसलिंग में। यार असल बात यही है कि आपके कामयाब होने में आपके आसपास का लोग कैसा है, ये बड़ा मोटिवेट करता है। हाँ, जैसे क्लब में हमको अली भाई और घर पे दादा, ये दोनों मिलके हमको मोटिवेट करता है, उससे हमारा दिल बहुत बड़ा हो जाता है, हमारा दिल करता है रेसलिंग लड़ने को। लेकिन हमारे साथ उल्टा है,
हमारा घर में अम्मा अब्बा हमें डीमोटिवेट करता रहता है, मगर हमारा जुनून बढ़ता जा रहा है। एक दिन तुम देखना, हम इनको कामयाब होके दिखाऊंगा। इंशाल्लाह हम लियारी का तारीख बदलेंगे, इन सब का रवैया हमारे साथ चेंज हो जाएगा इंशाल्लाह। ये शायद क्यों नहीं आया अभी तक? तुमको नहीं पता, शायद बिजी होगा घर में, वो लड़की को ठहराया हुआ है। हमको समझ नहीं आता है, उसका भाई बहुत बड़ा आदमी है, जिस दिन उसको पता लग गया ना उसका बहन यहाँ है, उस दिन फौरन आके ले जाएगा, क्या पता इसको भी साथ उठा के ले जाए। हाँ लेकिन हमने बातों बातों में बहुत समझाया शाहिद को, लेकिन वो कहते हैं वो नौशीन का दोस्त है, हम उसको मना नहीं कर सकता। नहीं वैसे लड़की तो अच्छा है, लेकिन हमको सिर्फ शाहिद से और उसका बहन नौशीन से गर्ज है, हमको इस लड़की से गर्ज ही नहीं है, हम यही तो कह रहे। अरे सॉरी यार हम लेट हो गया, वो असल में आखिरी पेपर है ना, तो उसका तैयारी कर रहा था। अरे कोई बात नहीं, हमको अंदाजा था पहले से ही। अच्छा हाँ, कल का दिन तुमको जाना है फिर शान जी के साथ। ओ यार क्या हो गया तुमको, उसको घर भेजो, अब नौशीन ठीक हो गया बिल्कुल। अरे उसको ऐसा कैसे घर से निकाल सकता है, वो हमारा मेहमान है, और वैसे भी उसने बोला है कि उसने बार मार के लिए अप्लाई किया हुआ है, जैसी वीजा आएगा वो चला जाएगा, तुम चले जाना सुबह, समझे। अरे हम उसका मोटरसाइकिल पे ड्राइवर बना घूम रहे। अरे कोई बात नहीं, मेहमान है वो हमारा, हम दोनों तो दिन भर काम पर होता है, वरना हम ले जाता, और ऐसे अकेला जाएगा तो पूरा लियारी उसके बारे में क्या सोचेगा, क्या खबर पहलेगा। अरे तो वो तो वैसे ही पहल जाएगा खबर। अरे ऐसे कैसे पहलेगा, कोई उसका चादर उठाकर थोड़ी देख रहा अंदर कौन है। अरे मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हारा नॉलेज के लिए तुमको बता रहा हूँ, तुम देख लो। अरे अभी छोड़ो, ये चला जाएगा, तुम बताओ तुम्हारा पेपर कैसा हुआ। हाँ पेपर तो बड़ा अच्छा हुआ, अभी बस आखिरी रह गया, उसका तैयारी चल रहा है, वही तो कर रहा था अभी, इसके चक्कर में हमको आना पड़ गया, बस कल ले जाइए उसको। आप भी दुआ सलाम कर लीजिएगा अपनी भाभी से। नहीं भाई मेरा दिल तो नहीं चाहता, उस दिन से तो मैंने आया से भी सलाम दुआ नहीं किए। ये तो बहुत बुरी बात है, हम इस मामले को जितना हवा देंगे ये उतना ही बढ़ेगा। भाई मैं तो बढ़ाना नहीं चाहता, लेकिन मेरा दिल भी तो करे। अगर हमारा दिल नहीं करेगा तो उस अजनबी औरत का दिल कैसे करेगा, वो तो हमें जानती तक नहीं है। अच्छा ये बताओ तुम्हारी बात हुई उससे? हाँ मुझे तो काफी माकूल औरत लगी है, मामला फहम भी है और समझदार भी लगती है। चलो ये तो बहुत अच्छा हुआ, वरना बात बात पे घर अजाब बना रहता, क्योंकि दूसरी शादी के रिजल्ट आज तक बिल्कुल अच्छे नहीं आए कहीं से। नहीं नहीं फिक्र ना करें, बहुत अच्छी खातून है वो, और अगर हमारा भी रवैया मस्बत रहेगा तो वो भी ठीक रहेगी, वरना इंसान को बदलने में देर ही कितनी लगती है। हाँ ये तो है। आप अयाज से भी बातचीत कर लिया कीजिए, ऐसे रिश्ते में खिंचाव रखना कोई अच्छी बात तो नहीं है। हाँ कह तो सही रही हो तुम। अच्छा वो मैं सोच रही थी कि रिदा और किरण से पहले अरूज का रिश्ता हो जाए। क्यों कोई मसला है क्या? नहीं मसला कोई नहीं है, बस मैं चाहती हूँ कि उसका कहीं रिश्ता हो जाना चाहिए, क्योंकि माँ की कमी को कहीं वो दिल पर ना लगा बैठे। हाँ ठीक है। हाँ यार क्या हुआ, वो कंटेनर पहुँचे या नहीं पहुँचे पाकिस्तान, शिपमेंट आ गई नहीं? जैसे आए मुझे बताओ ताकि क्लियरेंस लें उनकी। अरे शाबू कल से उस गली पे नजर रखना है। अरे बस एक दफा तसल्ली हो जाए वो लड़की इस गली का नहीं है। अरे उस्ताद पक्की बात है वो लड़की यहाँ का नहीं है। अरे एक अरसा हो गया हमको यहाँ पे इसी गली मोहल्ले में। हाँ अगर तसल्ली हो जाए तो क्या है, देखो वो साहब बड़ा आदमी है, उसको पक्का रिपोर्ट देना है हमने, और फिर हमने भी तो उसे काम लेना है ना। अरे ठीक है दादा, कल से समझो हम इसी गली मोहल्ले में, कहीं नहीं जाएगा। सन्नी उसको जाएगा बोल जाके।
पे तुम आज बड़ा कुछ नजर आ रहा है। हाँ, मैं खुद को नॉर्मल करने की कोशिश कर रही हूँ। अब कब तक सोग मनाती रहूँगी? इस तरह तो मेरी लाइफ सेट भी नहीं होगी। हाँ, कह तो ठीक रहा है, लेकिन तुम जा कहाँ रहे? कहीं नहीं, एक वीजा कॉन्सुलेट से टाइम लिया था, बस वहीं जा रही हूँ। तो तुम अकेले कैसे जाएगा, और वो भी इतना तैयार होके? कैसे जाऊंगी, मतलब जैसे कल गई थी फैसल के साथ वैसे ही जाऊंगी? फैसल के साथ? अब रोज रोज अच्छा थोड़ी लगता है कि फैसल को कॉल करके बुलाए, उसके अपना भी कोई काम हो सकता है। हाँ तो मेरी शाहिद से बात हो गई थी, वैसे भी वो दिन में फ्री होता है, मुझे ले जाएगा तो मौत नहीं आ जाएगी उसको। हाँ, लेकिन फिर भी। फिर भी क्या, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे वो तुम्हारा मंगेतर हो। अच्छा, मुझे फैसल का नंबर बताओ, जल्दी से बताओ नंबर। हेलो फैसल, हाँ मैं शान से बात कर रही हूँ। क्या तुम गेट पर ही हो? ओह सॉरी, मैं लेट हो गई थोड़ा सा, बस मैं अभी आती हूँ। हाँ मैं रेडियो में आ रही हूँ, ओके बाय। वो गेट पर ही है, मैं लेट हो गई हूँ, बस मैं जा रही हूँ, तुमसे बाद में मिलती हूँ, सी यू। अरे दोस्त है हम नादिर का। नादिर का दोस्त है तो जाके नादिर के पास बैठ, यहाँ क्या करने आया है? अरे हमने सोचा तुम्हारा स्कूल देगा वे, अगर तुमको किसी चीज का जरूरत हो ना हमको बताया करो, हम गली के नुक्कड़ पे पारेख बैठा होता है। अरे नहीं नहीं, हमारा ऐसा मतलब नहीं था, और नहीं हम ऐसा कुछ कर सकते, आपसे कुछ नहीं ले सकता। ऐसा नहीं कर सकता मतलब, ऐसा क्यों? अरे नामुमकिन है। अच्छा तो फिर मैं इस नामुमकिन को मुमकिन बना दूंगी, पहले हम शॉपिंग करेंगे उसके बाद ही घर जाएंगे, बस। और अगर ना बोल दिया तो? क्यों, घूंगा है क्या? नहीं वो वाला ना नहीं, जो तुम सुनना चाह रही वो वाला ना। आंखें तो उसकी भी वही बोल रही हैं जो मैं सुनना चाहती हूँ। हो सकता है तुम्हें गलत फहमी हो। ये गलत फहमी भी हुई ना, मैं उसे एक दिन सच कर दिखाऊंगी। मोहसिन इधर आओ, हम तुमको समझाते हैं। क्या समझ नहीं आ रहा तुमको? अभी हम तुमको ये वाला होमवर्क दे रहा है, सही है, इसको घर से करके आना है, तुमको समझ आ गया ना कैसे करना है? मोहसिन हम तुमको अभी बुलाता हूँ, उधर जाओ तुम। क्या है, इधर क्यों आया है? अरे दोस्त है हम नादिर का। नादिर का दोस्त है तो जाके नादिर के पास बैठ, यहाँ क्या करने आया है? अरे हमने सोचा तुम्हारा स्कूल देगा वे, अगर तुमको किसी चीज का जरूरत हो ना हमको बताया करो, हम गली के नुक्कड़ पे पारेख बैठा होता है। तो कोई काम धंधा ढूंढना, तेरे ख्याल में क्या ये अच्छा बात है कि तू हर वक्त गली में बैठा रहता है? जा शाबाश, कोई अच्छा काम धंधा ढूंढ। काम धंधा तो करते हैं हम, नादिर के साथ होता है। तो नादिर भाई कौन सा कोई काम करता है? अरे नादिर भाई ने पूरा लियारी संभाला हुआ है। अभी तुम जाओ यहाँ से और दोबारा इधर नहीं आना, बच्चा लोग डिस्टर्ब होता है, जो बात करना है नादिर भाई से जाके कर। अरे अरे इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता है। अभी तू जाता है कि हम नादिर भाई को बोले, जाता है कि हम? अरे सब्र करो, जाते है नहीं, जाओ यहाँ से। हाँ
क्यों आस रहे तुम लोग? चलो अपना अपना काम करो। I'm so sorry, आपको इंतजार करना पड़ा थोड़ा। अरे नहीं, कोई बात नहीं। वैसे मैंने तो कहा था आपको कि आप मेरे साथ अंदर ऑफिस चलें, लेकिन आप पता नहीं क्यों नहीं जाते, इसकी कोई खास वजह? अरे नहीं, बस हमको अच्छा नहीं लग रहा था, आप लोग बड़ा लोग हैं, आपका साथ अंदर जाना ऐसे ही, बस हम सादा लोग हैं ना, हम ऐसे ही सादा कपड़ा पहनते हैं, पता नहीं आपको अच्छा लगता हमारे साथ ऐसा घूमने का नहीं। अरे ये क्या बात हुई? रही बात कपड़ों की, तो अगर आप सेटिस्फाई हो तो हम अभी शॉपिंग कर लेते हैं। अरे नहीं नहीं, हमारा ऐसा मतलब नहीं था, और नहीं हम ऐसा कुछ कर सकते, आपसे कुछ नहीं ले सकता। ऐसा नहीं कर सकता मतलब? ऐसा क्यों? अरे नामुमकिन है। अच्छा, तो फिर मैं इस नामुमकिन को मुमकिन बना दूंगी, पहले हम शॉपिंग करेंगे उसके बाद ही घर जाएंगे बस। आप हमको शॉपिंग क्यों कराएंगा? हम यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ शाहिद का कहना पे लाता है, और हमारा आपसे कोई डायरेक्ट रिश्ता भी नहीं है, और ना ही हम इन सब चीजों का कोई मुस्तहिक हैं। अच्छा नहीं लगता हमको। मुस्तहिक? इसमें मुस्तहिक वाली क्या बात है? अब अगर कोई फ्रेंड दूसरे फ्रेंड को गिफ्ट देता है तो इसमें मुस्तहिक थोड़ी समझता है। अरे हम आपको समझा नहीं सकता है, चलो घर चलो, आओ। किरण, तुम्हें बता नहीं सकती मैं आज कितनी खुश हूँ। तुम्हें पता है, मैंने नौशीन से शाहिद का नंबर ले लिया। वाह, बड़ी तेज हो तुम। आखिर बहन किसकी हूँ। और मजे की बात सुन, नौशीन को मैंने ऐसी कहानी सुनाई कि उसने झट से मुझे शाहिद का नंबर दे दिया। अच्छा, ऐसा क्या मुझे सुना दिया तुमने उसे? मैंने उसे कहा कि उरूज को ना यूनिवर्सिटी में कोई काम है, तो अगर वो किसी को जानती है तो बता दे। तो उसने कहा कि शाहिद का नंबर ले लो और उससे बात कर लो। वाह, बहुत अच्छा चक्कर चलाया तुमने। अब आगे क्या प्लान है? फिलहाल तो कोई प्लान नहीं है, अभी तो ऐसे ही कहानी चलेगी। मैं उसे मैसेज करूँगी और मेरा नंबर उसके पास चला जाएगा, फिर देखते हैं कब तक चुप रहता है, कभी तो अपने दिल की बात बोलेगा ना। और अगर ना बोल दिया तो? क्यों, घूंगा है क्या? नहीं, वो वाला ना नहीं, जो तुम सुनना चाह रही वो वाला ना। आंखें तो उसकी भी वही बोल रही हैं जो मैं सुनना चाहती हूँ। हो सकता है तुम्हें गलत फहमी हो। ये गलत फहमी भी हुई ना, मैं उसे एकदम सच कर दिखाऊंगी। अच्छा खैर, तुम जाओ, ये सब बंद करो, बाद में करना, मुझे अभी शाहिद को कॉल करनी है और उससे इम्पोर्टेंट बात करनी है। ओके ओके, प्लीज गो ना, बाद में आना, जाओ। अच्छा, जाओ, मैं मम्मा को बताती हूँ। हाँ, मम्मा को नहीं बताना है, फोन का नहीं। दैट्स लाइक माय गुड सिस्टर। चलो कॉल करती हूँ।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अब शाहिद, मैं रिदा बात कर रही हूँ। मुझे लगता है आपको हमारा बात बुरा लग गया। क्या फर्क पड़ता है, वैसे आप अपनी जगह सही कह रहे हैं, मेरा और आपका डायरेक्ट कोरिलेशन थोड़ी है। अरे, हमारा मकसद आपका दिल दुखाना नहीं था। अब तो आपने दिल दुखा दिया मेरा, मुझे आपसे कोई शिकवा शिकायत करने की जरूरत ही नहीं। वैसे मेरी दोस्त तो नौशीन है, आप थोड़ी। अरे, हम आपको किस तरह समझावे के कैसे बोले। अच्छा, बस रहने दें, वो आगे एक मॉल है, वहाँ रोक दीजिएगा कुछ देर। अच्छा, लेकिन लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं आपको नहीं कह रही कि आपके साथ चले मेरे। बेटी, मैं खुद चली जाऊंगी और वहाँ मुझे ड्रॉप करके आप वापस भी आ जाइएगा। अरे, बलोच लोग ऐसा रास्ता में किसी को छोड़ता नहीं है। अभी तो रास्ता शुरू हुआ है, देखते हैं कि कौन किसको छोड़ता है या नहीं छोड़ता। देख लेना। ये सब क्या है? क्या है, आपके लिए लाई हूँ, बहुत अच्छे कलर्स हैं, आपको सूट करेंगे। ऐसे मुंह क्या बना रहे हैं, अगर आपको नहीं चाहिए तो यहीं से फेंक दें, ताकि मुझे भी यकीन आ जाए कि गिफ्ट लोग फेंकते भी हैं। अरे नहीं नहीं, फेंकेंगे क्यों, आप खरीदा है तो पहन लेगा। ख्याल आ रहा था कि दोस्ती का रिश्ता सबसे खूबसूरत है, इसमें कोई आड़ वाड़ नहीं है, सबसे ऊपर इसमें कोई डर नहीं होता, सब कुछ डिस्कस हो सकता है, लेकिन इसके लिए मुखलिस होना तो शर्त है। अरे वो तो हम हैं ना, तभी तो तुमने ऐसा सोचा। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता ना, तो वो बात को और भड़का देता और फैसल और हमारा लड़ाई करा देता। अरे शुक्र है तुमको हमारा ख्याल आया है। तुमको पता है हमने तुमको क्यों फोन किया, बताओ चांसा कब घर आएगा? अरे बस रास्ते में कुछ लेने के लिए गया है वो। तुम हमको ये बताओ, तुम्हारी तबीयत में भी ठीक है? आप, हमारा तबीयत तो ठीक है,
मगर हमारे दिल को कुछ होता है, जैसे कि अरे दिल तो हमारे लिए दास होगा ना, हमने देखा नहीं जो एक दूसरे को आजा। तुम बिजी था ना, शांजा को पिक करने आया और गेट से पिक करके चला गया। एक तो तुम्हारा दोस्त है, दूसरा शाहिद का हुक्म है, और हम सिर्फ दोस्त ही नहीं पा रहे, पता है उसका ड्राइवर बन के घूम रहे, और अरे वो आ रहे करता है बात तुमसे। चलो हम बाद में बात करते हैं। देखा, मैंने कहा था ना कि मैं नामुमकिन को मुमकिन बना दूंगी। आपको क्या लग रहा था कि आप जो कहेंगे मैं वो बातें मान लूंगी? ऐसा कुछ नहीं, ये लें आपके लिए। अरे ये सब क्या है? क्या है, आपके लिए लाई हूँ, बहुत अच्छे कलर्स हैं, आपको सूट करेंगे। ऐसे मुंह क्या बना रहे हैं, अगर आपको नहीं चाहिए तो यहीं से फेंक दें, ताकि मुझे भी यकीन आ जाए कि गिफ्ट लोग फेंकते भी हैं। अरे नहीं फेंकेंगे क्यों, आप खरीदा तो पहन लेंगे। वेरी गुड, तो बस आप ये सूट कल पहन के आएंगे, बहुत अच्छा कलर है। अरे क्या, कल फिर आना पड़ेगा? हाँ तो जब तक मैं आउट ऑफ कंट्री नहीं जाती, आपको इसी तरह मेरे साथ रहना है, और बकौल आपके के बलोच लोग तो रास्ते में नहीं छोड़ते ना। बड़ा चला के तुम, हाँ हमारा भाग पकड़ लिया तुमने, और तुम बहुत मासूम हो। चले अभी, हाँ कॉफी पीते हैं। क्या बात है, क्या सोच रहे तुम? हम तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था, उंडली दिल में हमको पकड़ हो रहा था तुम्हारी दोस्ती पर। अरे ऐसा क्या खास सोच रहा था तुम? अरे यही जो हम आपस में बातें करता है, ख्याल आ रहा था कि दोस्ती का रिश्ता सबसे खूबसूरत है, इसमें कोई आड़वाड़ नहीं है, सबसे ऊपर इसमें कोई डर नहीं होता, सब कुछ डिस्कस हो सकता है। लेकिन इसके लिए मुखलिस होना तो शर्त है। अरे वो तो हम है ना, तभी तो तुमने ऐसा सोचा, अगर तुम्हारी जगह कोई और होता ना तो वो बात को और भड़का देता, और फैसल और हमारा लड़ाई करा देता। हम लड़ा नहीं सकते, हमने जिंदगी में बहुत कुछ साथ करना है। यही सोचकर तो हम पकड़ कर रहा था। देख शाहिद, इस दुनिया में जितने भी रिश्ते हैं सबकी खूबसूरती मुखलिस होने में है। जहाँ किसी के दिल में मैल आता है, रिश्तों में दरारें पड़ना शुरू हो जाती हैं। सही बोल रहा है तुम। वो धन नादिर को देख ले, उसकी माँ उसका बहन कोई खुश नहीं है उससे, पूरे लियारी में लोग धुधू करते हैं उस पे। फैसल तो जाते ही नहीं ऑफिस भी शॉपिंग मॉल भी, कहते हैं हम बहुत सादा लोग, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस सादगी को थोड़ा सा फैशन में बदल दिया जाए। शॉपिंग की मैंने उसके लिए आज, पहले तो मौसुफ मान ही नहीं रहे थे, फिर बिलाखिर अपनी पसंद की चीजें ली उसने। अब तो फिर उसने क्या कहा? अरे समझ जाएगा वो भी, आदतें बदलने में थोड़ा वक्त तो लगता है ना, हमारा कोशिशें रंग लाएगा, नादिर जैसा लोग भी हमारा इलाके की तरक्की के लिए काम करेगा। वो तो अभी भी बोलता है कि वो लियारी के लिए काम करता है। अरे काम तो वो लियारी के लिए करता है इसलिए बोलता भी है, लेकिन समझना ये है कि वो काम अच्छा भी है कि नहीं। आदाब, हमने तुम लोग का काम कर दिया है, अब हमारा काम का क्या होएगा? हाँ देख लिया मैंने, अब मुझे अपना काम करना है। हाँ ठीक है जी जी, आप तो काफी बड़ा हो गया। आप भी छोटे नहीं रहे। हाँ बस जिंदगी का चाल है ही तो, इसीलिए तो वो हर चाल ठीक वक्त पर चलता है। वो तुमसे बात करना नहीं चाह रही, बार बार फोन आ रहा था तो मैंने सोचा मैं ही पिक कर लूं कॉल, शायद आप उससे ही बात करना चाह रहे हो। अरे हाँ आपका नंबर तो है हमारे पास। हाँ मैं भी यही सोच रही थी कि मेरा नंबर तो है तुम्हारे पास। अच्छा ये बताओ शॉपिंग कैसी लगी मेरी, चॉइस अच्छी है ना मेरी? अरे उस्ताद वो कोई पुलिस भी इसका सोच रहा होगा,
हमारे जैसा बंदा तो है नहीं, वो ऐसा वैसा काम करेगा। अरे तुम छोड़ो उसको, उसका मर्जी है, हमने तो अपना काम कर दिया है ना। वैसे देता एक बात है, आजकल घर में लड़की हो ना तो फौरन शादी कर देना चाहिए। चाहत भाई, तकलीफ का कब पता चलता है, और फिर ये भी कब पता चलता है कि कोई अपना तकलीफ देगा। अरे कुछ हुआ है, कुछ परेशानी वगैरह है तो हमको बताओ ना। नहीं, हम तो वैसे एक बात बोल रहे हैं। तो चलें फिर। हाँ चलो चलो। शायद स्पेशली आपका थैंक यू करना था मैंने कि आपने फैसल को कहा मुझे पिक एंड ड्रॉप के लिए, वरना रिक्शे और टैक्सी में तो मैं ख्वार हो जाती। कुछ भी नहीं है नामुमकिन, सबसे आगे निकलना है, अपना वक्त बदलना है, हम भी मारा मारी है, कोशिश अपनी जारी है। यार में सब कुछ वारेंगे, इश्क में बाजी मारेंगे, चाहत की हर बात हसी, दोस्त नहीं तो कुछ भी नहीं, मंजिल तक तो जाना है, रास्ता बड़ा पुराना है, ल्यारी से किवाड़ी, ल्यारी से किवाड़ी। को नाप लिया रास्ता, हमने नाप लिया।